Friends, do you know what are the functions of different organelles of animal cell? If you want to know the functions of different organelles of animal cell, then please keep going with me till the end of this video. Good morning friends, welcome back to my YouTube channel Science with Hemant Rathore. Today we will discuss about functions of different cell organelles which are present in animal cell. Here on the board you can see a cross section of animal cell. Okay, yahan par cross section aapko dikhai de raha hai. Is particular cell ke andar different organelles present hai, jisa ki aap dekh sakte ho, nucleus hai, lysosome hai, माइटोकॉन्ड्रिया एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यू कैन सी हियर, एंड गोल्गी एपरेटस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेंट्रियोल एंड साइटोप्लाज्म. ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के क्या क्या फंक्शन होते हैं. ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस का पहला फंक्शन है, it plays an important role in cellular reproduction in which a cell divide to form new cell. ये जो nucleus होता है इसको हम बोलते हैं brain of the cell. Okay, nucleus is also called what? Brain of the cell. और इसका काम क्या होता है? इसका काम होगा cell division में. Is it clear? जब कोई cell divide होती है या एक cell से दो cell form होती है, then it will plays an important role. Okay, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है. और नेक्स्ट पॉइंट है बी पॉइंट, इट आल्सो डिटरमाइन द सेल डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी बाय डायरेक्टिंग केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल. ये सेल डेवलपमेंट को डिटरमाइन करती है. ओके, सेल का डेवलपमेंट किस तरह से होना चाहिए, सारे सेल ऑर्गेनाइज प्रॉपर डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है, सारे फंक्शंस जो हो रहे हो प्रॉपरली परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये भी. और इसके साथ साथ मैच्योरिटी बाय डायरेक्टिंग केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल. केमिकल एक्टिविटीज सेल के अंदर जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़ होती है, चाहे वो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो या फिर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर लिपिड्स का फॉर्मेशन हो एटसेट्रा, इन सब को भी डायरेक्ट कौन करता है? हमारा न्यूक्लियस. इज इट क्लियर? न्यूक्लियस ऑफ द सेल. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनेल ऑफ एनिमल सेल. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कंटेंट. सो फ्रेंड्स, अवर नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज साइटोप्लाज्म. ओके, साइटोप्लाज्म, दिस वर्ड इज मेड बाय टू वर्ड्स, साइटो मीन्स सेल एंड प्लाज्मा मीन्स लिक्विड. ओके, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लिक्विड मटेरियल विच आर प्रेजेंट इन साइड द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. अब साइटोप्लाज्म के क्या फंक्शन होते हैं हम देखते हैं. इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ऑर्गेनल्स. ये जितने भी ऑर्गेनल्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सभी के बीच में जो सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है, इट विल टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म. ओके, अगर साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो ये पूरी प्रोसेस रुक जाएगी. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज इट एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ एसेंशियल केमिकल्स सच एज अमाइनो एसिड, विटामिन, ग्लूकोज एट्सेट्रा. ओके, सो ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये अपने अंदर इन सारे पर्टिकुलर एसेंशियल मटेरियल्स को स्टोर करके भी रखता है, ताकि जब भी कोई रिक्वायरमेंट हो, इफ एनी रिक्वायरमेंट इन साइड द सेल टू एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनेल, देन इट विल फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दे. ओके, तो ये दो मेन फंक्शन होते हैं. इसके अलावा जो ग्लाइकोलिसिस पाथवे होता है वो भी इस पर्टिकुलर सेल लिक्विड या साइटोप्लाज्म के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है. ओके, सो दिस आर द फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. Our next cell organelle is endoplasmic reticulum, or in short we can write here ER. Okay, endoplasmic reticulum has been classified into two types. First one is rough endoplasmic reticulum and second one is smooth endoplasmic reticulum. Okay,
सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी सरफेस पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्मॉल स्मॉल डॉट्स आर प्रेजेंट। एक्चुअली ये डॉट्स होते हैं राइबोसोम्स, इज इट क्लियर? ये डॉट्स जो इसके ऊपर प्रेजेंट है ये है राइबोसोम। तो राइबोसोम की प्रेजेंस के कारण क्या होता है, इट्स सरफेस इज लुकिंग रफ। सो वी गिवन द नेम ऑफ दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसकी सरफेस रफ है इसलिए इसे क्या कहा जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो नेक्स्ट वाला है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्योंकि इसके सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके और राइबोसोम का मेन वर्क आप याद रखना, राइबोसोम इट इज हेल्पफुल और इट हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन। ओके राइबोसोम जो रहता है वो प्रोटीन के मैन्युफैक्चर में मदद करता है। अब हमको देखने हैं इन दोनों के फंक्शंस, मैंने यहाँ पर कंबाइंड फंक्शंस लिख के रखे हैं दोनों के। देखिए सबसे पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन टू होल सेल टेक्स प्लेस बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके इसका स्मॉल फॉर्म है RER। ठीक तो ये पूरे सेल में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर जहाँ पर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो प्रोटीन को सेंड कौन करेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके नेक्स्ट बी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट्स मॉलिक्यूल एंड लिपिड्स। ओके हमको पता है कि सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो भी फैट्स और लिपिड्स से बनती है, और ऐसे बहुत से ऑर्गेनेल है जिनकी जो मेम्ब्रेन होती है इट इज मेड बाय व्हाट, फैट एंड लिपिड। तो सीधी सी बात है फैट और लिपिड का फॉर्मेशन का वर्क कौन करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे तो आप बिल्कुल कह देना कि सेल के अंदर फैट्स और लिपिड्स के फॉर्मेशन क्या मैन्युफैक्चर का काम कौन करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER। नेक्स्ट है सी SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग पॉइजंस। ठीक है तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहता है वो पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करने के लिए भी वर्क करता है। ओके कभी कभी हमारे सेल में कुछ टॉक्सिक मटेरियल आ जाते हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए या उनके इफेक्ट को कम करने के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्क करेगा। नेक्स्ट है इट फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये इस तरह का नेटवर्क बनाते हैं जिसके कारण क्या होता है, जितने भी पर्टिकुलर मटेरियल होते हैं, जो मटेरियल फॉर्म होते हैं जैसे प्रोटीन फॉर्म हुआ, लिपिड फॉर्म हुआ, फैट फॉर्म हुआ, तो इसको पहुँचाने के लिए एक वे बनाते हैं या नेटवर्क फॉर्म करते हैं जो ये पर्टिकुलर सब्सटेंस को या मटेरियल को सभी दूर या पूरी सेल में पहुँचाने के लिए easily हम बोल सकते हैं कि इट विल डिस्ट्रीब्यूट द पर्टिकुलर मटेरियल ईजिली टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल। ओके तो ये लिखा हुआ है इट फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इसके अलावा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में भी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके तो ये थे फंक्शंस ऑफ स्मूथ एज वेल एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कंटेंट। अवर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। ओके माइटोकॉन्ड्रिया हियर यू कैन सी सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स। ओके दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ओके माइटोकॉन्ड्रिया इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। जो सेल का पावर हाउस होता है, जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, सो वी कैन से दैट इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इसके फंक्शंस, पहला फंक्शन है ए इट जनरेट्स एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है, जैसे सेल डिवीज़न हुआ या प्रोटीन फॉर्मेशन हुआ या और कोई सी दूसरी एक्टिविटी हुई है ना, सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, तो इनके लिए एनर्जी कौन क्रिएट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इज इट क्लियर? सो इट इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट बी व्हेन द सेल रिक्वायर एनर्जी ATP मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन एंड जनरेट एनर्जी। जब सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तब क्या होता है, ATP मॉलिक्यूल, ATP का फुल फॉर्म याद रखना एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो होता है वो ब्रेक होता है। ओके और ब्रेक होने पर बहुत सारी एनर्जी क्रिएट करता है, और वही एनर्जी जो होती है वो सेल की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूज में आती है। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट जो है माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया जो एक ऐसा पर्टिकुलर ऑर्गेनेल है जिसका खुद का DNA होता है
और इसके पास राइबोसोम्स होते हैं। और हमको तो पता है कि राइबोसोम का वर्क क्या होता है, राइबोसोम इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम जो रहता है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन या प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग करता है। ओके, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके पास खुद का डीएनए होता है और साथ में इट हैविंग इट्स ऑन राइबोसोम विच इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन। ओके, सो दिस आर द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। Now we will see the function of our next cell organelle Golgi apparatus. So first function is it store, modify and pack products in vesicles. इसका काम क्या होता है, ये store करता है, modify करता है और products को pack करता है, कहाँ पर, vesicles में। Okay, यहाँ आप देख सकते हो, here Golgi apparatus is present, it is the tube like structure, okay, which is nearby to the endoplasmic reticulum. Okay, एंड बी इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ये जो गोल्गी एपरेटस रहता है ये लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है, यहाँ आपको लाइसोसोम दिख रहा होगा। एंड लाइसोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड वॉट, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर इन सम केसेस। कुछ केसेस में क्या होता है, ये जो गोल्गी एपरेटस रहता है ये क्या फॉर्म करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर। ओके, सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर का फॉर्मेशन करता है। ओके, सो दिस थ्री आर मेन फंक्शंस ऑफ Golgi apparatus. You can take the screenshot out of this content. So next organelle is lysosome. Here you can see lysosome which are present nearby the mitochondria. Okay, so now we will see the function of lysosome. Okay, it is also called suicidal bag of the cell. इसको सेल का सुसाइडल बैग कहते हैं, क्यों, क्योंकि लाइसोसोम क्या होता है, एक तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है। जब सेल के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनल्स वर्क करना बंद कर देते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर सेल वर्क करना बंद कर देती है तो ये जो बैग जैसा एक स्ट्रक्चर होता है ये बस्ट हो जाता है और अपने अंदर का जो सारा एंजाइम है वो सारा डाइजेस्टिव एंजाइम पूरे सेल में स्प्रेड कर देता है, जिससे सारे ऑर्गेनल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड व्हाट, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अब हम आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, ए, इट हेल्प्स टू कीप क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल दैट एंटर्स द सेल एंड वेस्ट सेल पार्ट्स। सीधी सी बात है, यदि सेल के अंदर कोई फॉरेन मटेरियल एंटर करेगा, चाहे वो बैक्टीरियाज हो या कोई सा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, तो उसको डिस्ट्रॉय करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, लाइसोसोम की। इज इट क्लियर, ये कैसा एंजाइम सीक्रेट करेगा जिससे वो बाकी जो फॉरेन मटेरियल है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। ओके, और बाकी सेल पार्ट्स, मतलब मान लो कि यदि कोई सा एक सेल ऑर्गेनेल वर्क करना बंद कर दिया तो उसको रिस्टोर करने का वर्क अभी कौन करेगा, लाइसोसोम करेगा। इज इट क्लियर। नेक्स्ट, बी, इट कंटेन्स पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच कैन ब्रेक डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। ये क्या करता है, एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है जो ऑर्गेनिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय करने के लिए या उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इन द एनिमल सेल। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ लास्ट टू ऑर्गेनल्स आर रिमेनिंग, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेंट्रियोल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन विच इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द सेल, it is called plasma membrane. Okay, plasma membrane having some of the functions. A, it acts as selectively permeable membrane. ये किसके तरह work करती है, selectively permeable membrane की तरह work करती है। selectively permeable का मतलब होता है कि it allows only certain materials from outside to inside. Is it clear? कुछ certain materials को ही बाहर से अंदर आने के लिए permission provide करती है। सेकेंड है बी, इट मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, ये सेल का शेप मेंटेन करती है। ओके, सी, इट ऑल्सो एक्ट्स एज मैकेनिकल बैरियर, ये एक मैकेनिकल बैरियर की तरह वर्क करती है, मतलब बाहर के पार्टिकल्स को इजीली अंदर नहीं आने देती। ओके, और अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है उनको बाहर भी नहीं जाने देती है। ओके, नेक्स्ट, डी, इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल कंटेंट, ये अंदर के जितने भी इंटरनल कंटेंट है, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है उनको प्रोटेक्ट करने का वर्क करती है। ओके, और इट प्रोटेक्ट द इंटरनल कंटेंट और सेल ऑर्गेनल ऑफ द एनिमल सेल। नेक्स्ट, ई, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोब्स,
ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये क्या करती है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोब्स, यानी माइक्रोब्स के अगेंस्ट सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है या माइक्रोब से सेल को बचाती है. ओके, एंड द लास्ट वन इज सेंट्रियोल, इट ऑर्गेनाइजिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स इन साइटोप्लाज्मा. ओके, सेंट्रियोल जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये सेंट्रियोल का क्या फंक्शन होता है, इट ऑर्गेनाइजिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स को अरेंज करने का वर्क करता है. ओके, सो दिस ऑल आर द कंटेंट ऑफ द सेल. ओके, और सेल ऑर्गेनेल ऑफ द सेल. If you really like my video, then please subscribe my YouTube channel Science with Hemant Rathore and share all the videos with your friends. If you have any doubt, any query related to any video, any topic or this video, you can directly ask me question in comment box. I will get back to reply very soon. Okay, so thank you so much to all of you watching my video.